हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज हम गुणनखंड वृक्ष या वेक्टर ट्री बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम गुणनखंडों के बारे में सीख चुके हैं। गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, है ना? हमने सीखा था ना, जैसे हमें वो संख्याएं देखनी है, जैसे 6 के गुणनखंड करने हैं तो 6 किस किस के टेबल में आता है, ऐसे सीखा था हमने बहुत सारी संख्याओं के गुणनखंड या फैक्टर्स निकालने। अब हम गुणनखंड वृक्ष बनाना सीखेंगे। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 12। अब मैं एक ट्री की शेप बनाऊंगी इससे। आप देखते हो ना, ट्री में ब्रांचेस बनाते हैं ना, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे बनाया। 12 के नीचे हमने दो ऐसी संख्याएँ लिखी जो इसको पूरा पूरा भाग करेंगी। जैसे अगर मैं इसको 2 से भाग करती हूँ तो 2 से भाग करने पे आपका आंसर क्या आएगा? 6। मैंने यहाँ लिख दिया 2 और 6, 2 गुणा 6 बराबर 12 होता है कभी। अब आप उस संख्या को छोड़ देंगे जो अभाज्य है, 2 अभाज्य है ना, इसके हम आगे गुणनखंड नहीं कर सकते। 6 आप देख रहे हो भाज्य है, तो इसके नीचे मैं फिर से ब्रांचेस बनाऊंगी। तो 6 को फिर से हमने 2 से भाग करा, कितने पे जाएगा? 3 पे, है ना। अब देखो, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। जब तक आपके सारे गुणनखंड अभाज्य नहीं मिल जाते, हम फैक्टर ट्री बनाते जाएंगे। तो फाइनली मेरे को 12 को कैसे लिखना है? 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 करके देखिए। 2 गुणा 2 4, गुणा 3 12, है ना। अब मान लीजिए मैं 12 को किसी और तरीके से करती हूँ। पहले मैंने इसको अबकी बार 3 से भाग किया, 3 से भाग करने पर आंसर क्या आएगा आपका? 4, है ना। अब 3 को मुझे छोड़ देना है क्योंकि 3 क्या है? अभाज्य। लेकिन 4 क्या है? भाज्य, है ना। तो इसको फिर से आगे ब्रांचेस बनाई, तो 4 को आपने किससे भाग किया? 2 से। 2 गुणा 2 पे 2 से भाग करने पर 2 ही आया। अब देखिए, फिर से मेरे पास फाइनली क्या बच गया नीचे? अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी? 3 2 2। तो यहाँ पे भी क्या थी? 3 2 2 थी ना, है ना। तो आप देखिए, इससे हमारे को पता चलता है कि चाहे हम कहीं से भी शुरू करें, लेकिन फाइनल आंसर हमारा सबका एक ही आएगा। गुणनखंड वृक्ष बनाने से हम छोटी संख्याएं पहले लिख देते हैं, उसके बाद उसकी बड़ी। तो फाइनल 2 2 3 यहाँ पे था और 2 2 3 यहाँ पे था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 18, पहले मैं इसे 2 से भाग करती हूँ, कितने पे जाएगा? 9 से। 2 अभाज्य, इसे छोड़ देंगे। 9 को फिर से भाग किया 3 से, 3 से भाग करने पे कितना आया? 3 ही आया। अब ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य है। अब और आगे नहीं करेंगे। सो 18 इज इक्वल टू 2 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे चलिए एक बार और करते हैं इसको किसी दूसरे तरीके से। मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन आप में से सब बच्चों को दिया है, एक बच्चे ने इस तरीके से किया, एक इस तरीके से करता है। उसने पहले 3 से भाग किया, 3 से भाग करने पर कितना आएगा? 6। अब 3 को छोड़ देंगे क्योंकि अभाज्य है, है ना। 6 भाज्य है, इसको फिर से आगे ब्रांचेस बनाएंगे। तो अब की बार आपने फिर इसे 3 से भाग करा, तो 3 से भाग करने पे आंसर क्या आया? 2। अब फाइनल मेरे सारे अभाज्य संख्याएं बच गई। तो फिर से मैंने यहाँ पे 18 को कैसे लिखा? छोटी संख्या हम इनमें से पहले लिख देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए, इससे पता चल रहा है ना कि आंसर सबका सेम आएगा, है ना। चलिए 36 के करते हैं। 2 से भाग किया, कितना आया? 18। अब ये अभाज्य, इसे छोड़ दिया, इसे फिर से किया 2 से, फिर कितना आया? 9। 9 को फिर से किया 3 एंड 3। तो फाइनल
36 को मैं कैसे लिखूंगी? 36 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, आप गुणा करके देखिए 36 आता है कि नहीं। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। ओके, तो आप किसी भी तरीके से, आप कहीं से भी स्टार्ट करें, आपका फाइनल आंसर सबका सेम आएगा। 48 के करते हैं। चलिए मैं इसको अब की बार 3 से भाग करती हूँ पहले, है ना। 3 से भाग करने पे ये कितने पे जाएगा? 16 पे। अब 3 को करेंगे आगे? नहीं, क्योंकि 3 तो अभाज्य है। 16 को किया, 16 को मैं कैसे कर सकती हूँ? 4 × 4। अब देखिए ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, तो दोनों के नीचे हमें ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी। 2 2, है ना। 4 किससे जा सकता है? सिर्फ 2 और 2 से। और ये भी 2 × 2। तो फाइनल आंसर क्या बना? देखिए, एक ये और ये, है ना। तो हम लिखेंगे 48 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3। गुणा करके देखिए इन सबको, 48 ही आएगा। तो इसका मतलब बेटा, गुणनखंड वृक्ष हमारा कैसा होता है? गुणनखंड वृक्ष एक वृक्ष की शेप में हम फिगर बनाते हैं, जिसमें हम दी गई संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। हम नीचे कैसे गुणनखंड हमें सारे मिल जाते हैं? जो कि अभाज्य होते हैं, वो किसी और के टेबल में नहीं आते, उनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब आप इसकी अपने आप भी प्रैक्टिस